नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी आलू की फसल के बारे में, जो स्प्रे करने वाले हैं उसके बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे आलू की फसल आज 45 दिन की हो गई है और हमने इसमें गार चढ़ाने का काम कर दिया है। देख लीजिए हमारे आलू की फसल किस प्रकार से हो रही है। तो आज हम इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन देने वाले हैं, क्या क्या स्प्रे करने वाले हैं, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। उधर हमारी लहसुन लगी हुई है और ये हमारे आलू लगे हुए हैं। देख लीजिए 45 दिन के आलू किस प्रकार से हैं और आगे बताता हूँ आपको न्यूट्रिशन के बारे में कि इस आलू की फसल के अंदर हम क्या क्या न्यूट्रिशन देने वाले हैं। गार चढ़ाने से पहले इसके अंदर हमने जिंक सल्फेट, सल्फर, ह्यूमिक एसिड, जाइम, एक बोरी बीघा की इफको और 25 किलो बीघा का यूरिया खाद हमने डाल दिया है, जिसके बाद हमने इसमें गार चढ़ा दी है। और अब हम स्प्रे की बारी करते हैं। स्प्रे करने के लिए हम कौन कौन से न्यूट्रिशन देने वाले हैं ये देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आलू की फसल में हम न्यूट्रिशन के रूप में और कीटनाशक और फंगिसाइड के रूप में कुछ दवाइयों को स्प्रे करेंगे। तो ये कौन कौन सी दवाई है, इनका क्या क्या काम होता है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो देखिए, ये है कृषि रसायन का कैरलिक्स, जिसके अंदर मेटालेक्सिम 8% और मिनकोजेब 64% होता है, जो कि एक सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट फंगिसाइड है। ये आलू की फसल को फंगस और अन्य प्रकार की फंगस से दूर रखता है और साथ ही यह है बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का पाउच देता है। ये बैक्टीरिया साइट है, यह बैक्टीरियल गलन को रोकने का कार्य करता है। ये है एसीटामाप्रीट, इसके अंदर एसीटामाप्रीट होता है, जो नोवासीटा है इसके अंदर एसीटामाप्रीट होता है। ये मच्छरों को कवर के लिए बेहद ही अच्छा साबित है। अगला है पीआई कंपनी का बायोविटा, जिसके अंदर सीड एस्टेट है और ये बहुत ही बेहतर टॉनिक है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बोरान, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, बहुत प्रकार के तत्व है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बेहतर है। और अब है हमारे पास NPK 1919 जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बेहद ही अच्छा है। तो देख लीजिए हमारे पास में, और एक सही डोज के लिए ये चीज़ें सारी होना चाहिए, एक कीटनाशक, एक फंगिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट, साथ में बैक्टीरियल गलन के लिए एंटीबायोटिक के पाउच। तो हम इस आलू की फसल में ये स्प्रे करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।